उनके बीच बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं जो जो घटना है इसको सुलझाया जा सके। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। लखनऊ का अकबर नगर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कभी यहाँ तड़के नमाज तो मंदिर में आरती और भजन हुआ करते थे, लेकिन मंगलवार देर रात तक सभी अवैध धार्मिक स्थलों को गिरा दिया था। देखिए कैसे 5 मंजिला, 2 मस्जिदों और 1 मदरसे को प्रशासन ने मंगलवार देर रात ढा दिया। इन मस्जिदों को ढाने का काम रात 12:30 से 3:30 बजे तक चला। इसके लिए 8 बुलडोजर लगे थे। पहले मस्जिदों के ग्राउंड फ्लोर की दीवारों को खोखला किया गया, धीरे धीरे यानी ध्वस्त किया गया। इतना ही नहीं, मंदिर भी बुलडोजर से हटाए गए। कुल मिलाकर अकबर नगर ध्वस्त है, इलाका वीरान है। कुकरेल नदी की जमीन पर कब्जा कर लोगों ने कॉम्प्लेक्स, शोरूम, दुकानें और बड़ी संख्या में मकान बना लिए थे। शासन के निर्देश पर कुकरेल रिवर फ्रंट बनना है। इसके लिए सर्वे हुआ तो पता चला कि पूरा अकबर नगर प्रथम और द्वितीय नदी की जमीन पर ही बसा है। गिरता हुआ मंजर बताता है कि तस्वीरें क्या होगी। आप देख सकते हैं अकबर नगर का ये वो क्षेत्र है जिसको पोकलैंड और जेसीबी मशीनरी द्वारा जमींदोज किया जा रहा है। हम धीरे धीरे, यह मैं जिस बिल्डिंग पे खड़ा हूँ या जिस बिल्डिंग के अंदर खड़ा हूँ, इसका आधा से ज़्यादा गिराया जा चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर लगातार 8वें दिन कार्यवाही चलने के बाद अब आखिरी दिन है जिसमें कि सभी मकाने जमींदोज कर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम सारे अधिकारी के नेतृत्व में सारी कार्यवाही चल रही है और ये मलबे का महज ढेर नहीं, यहाँ पर आशियाना हुआ करता था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लगातार 8 दिन से कार्यवाही चल रही है और जितने भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे थे उन सभी को विस्थापित करके बसंत कुंज योजना में आवास मुहैया कराया गया। आप देख सकते हैं पोकलैंड चल रही है और ये हजारों की संख्या में मकाने थे जो लगभग 50 साल से लोग बताते हैं कि वो अपना मकान बनाकर यहाँ रह रहे थे, लेकिन मिनटों नहीं लगा, यानी 50 साल की मेहनत को महज 7 से 8 दिन में गिरा दिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इसमें तमाम सारी जांचें की गई, तमाम पड़तालें की गई और उसके बाद डॉक्यूमेंट के आधार पर जो नदी में बनी इस कॉलोनी को, अवैध जो अकबर नगर कॉलोनी है, इसको जमींदोज कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा हैं और तमाम सारे अधिकारी हैं जो लगातार इस पर निरीक्षण बनाए हुए हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस अकबर नगर को तोड़ने के बाद अकबर नगर 2 को, पहले 2 को तोड़ा गया और उसके बाद अकबर नगर 1 को तोड़ा गया। ये फैजाबाद रोड, फैजाबाद का मेन रोड है, फैजाबाद रोड मेन है जिसमें कि एक तरफ अकबर नगर 2 है, दूसरी तरफ अकबर नगर 1 है। अकबर नगर 2 में देख सकते हैं कि कुछ मस्जिदें भी बनी हैं, 1, 2, 3 मस्जिदें बनी हैं, तो वहीं पर अकबर नगर 1 में 2-3 मंदिरें भी बनी हैं। लगातार कार्यवाही चल रही है और आज कार्यवाही का आखिरी दिन है। उसके बाद फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण जो मलबों का ढेर देख रहे हैं इसको हटाने के लिए टेंडर निकाल चुका है, इसको हटाएंगे, उसके बाद विकास कार्य करेंगे। बताया जाता है कि कुकरेल नदी से सटी हुई जितने भी अवैध कॉलोनी है बारी बारी करके सबकी जांच की जाएगी, उसके बाद सभी को जमींदोज किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कुकरेल नदी से सटी जो ये एरिया देख रहे हैं इसके आगे रहीम नगर पड़ता है और उसके बाद खुर्रम नगर पड़ता है, उसके बाद कुकरेल नदी से जुड़ी जो कुकरेल जंगल है वहाँ पर भी तमाम जो लोगों ने अवैध तरीके से बना लिए हैं, धीरे धीरे सभी पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि ये कार्रवाई का दौर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि कुकरेल नदी का जीर्णोद्धार करने के लिए सभी जो कवायद है, वो शासन हो, प्रशासन हो, चाहे वो न्यायालय हो, सब ने अपनी मंजूरी दे दी है। यही वजह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार 8 दिन की कार्रवाई पर अकबर नगर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। कैमरा पर्सन अर्शद के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अकबर नगर की, जहां पर आप देख सकते हैं बुलडोजर से ढाई 5 मंजिला, 2 इमारतें और देखिए किस तरह से 2 मस्जिदें ढाई गई बुलडोजर से। अब बुलडोजर से मंदिर भी हटाया गया है और अब पूरी तरह से अकबर नगर जो है वो वीरान हो गया है। तो लखनऊ के अकबर नगर में बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। 10वें दिन मंदिर मस्जिद को हटाने की तस्वीरें भी सामने आई और इससे पहले बड़ी संख्या में घरों को जो है वो तोड़ा गया और ये बुलडोजर की कार्रवाई आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जहाँ पर 2.5 मंजिला, 2 मस्जिदें पहले ढाई गईं और फिर बुलडोजर से मंदिर को भी हटाया गया। दस
दसवें दिन मंदिर मस्जिद को हटाने की तस्वीर सामने आई और कई दिनों से ये पूरी जो कार्रवाई है वो चल रही थी। रवि कुमार हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि कुमार, जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, पहले से ही नोटिस जो है वो सरकार की तरफ से दे दिया गया था कि जो इमारतें हैं वो उन पर अतिक्रमण की कार्रवाई होनी है। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है और अभी मौजूदा वक्त में क्या पूरी तरह से सारी चीजें जमींदोज कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, दो हिस्से थे, अकबर नगर वन और अकबर नगर टू, दोनों ही जगह पर जो पूरी कार्रवाई है वो की गई है। अगर हम बात करें तो 10 जून को ही पूरी कार्रवाई शुरू हुई थी और मंगलवार की रात तक ये पूरी कार्रवाई है वो पूरी कर ली गई है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई में LDA नगर निगम, स्थानीय पुलिस और उसके अलावा जो जिला प्रशासन की संयुक्त टीम थी वो लगातार इसमें काम करती नजर आई है। मंगलवार तक ये पूरा जो भी इलाका था पूरा मैदान में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि अब जो नगर निगम है वो इस पूरे मलबे को हटाने का वहाँ काम करेगा, यानी सफाई का करने का है वो करेगा और पूरा कुपरैल नदी के आसपास पूरा जो इलाका है वो पूरा कब्जा करके वहाँ पर अवैध रूप से निर्माण किए गए थे, वहाँ पे लोग रह रहे थे। हालांकि जब इस अगर कुपरैल नदी की बात करें उसको जब यानी उसके आसपास की जो पूरी जो कब्जेदारी उसको हटाने के लिए जब शुरुआत की गई तो ये पूरी जानकारी ही करीब 24.5 एकड़ का ये पूरा कब्जा था और जिसपे करीब 1800 से के करीब जो पूरे अवैध रूप से निर्माण किए गए, इसमें घर थे, कमर्शियल एक्टिविटी होती थी, तमाम सारी चीज़ें ऐसी थी वहाँ पर जो अवैध रूप से कब्जा करके वहाँ बनाई गई थी, जिसपे दशकों से वहाँ पे लोग रह रहे थे। उनको यहाँ से पहले कहा गया कि हटने के लिए, लेकिन जब वो लोग नहीं हटे तो नोटिस जारी किया गया, बिजली कनेक्शन काटे गए और बाकायदा घर घर जाकर पुलिस ने बाकायदा उनसे अपील की कि वो खाली कर दी और फिर धीरे धीरे फिर सख्ती के बाद फिर ये पूरा इलाका है वो खाली कराया गया। हालांकि उनको सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान थे उनमें शिफ्ट करने का काम है वो शुरू कर दिया गया। हालांकि पूरा अकबरनगर का जो इलाका है जो भी अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था, जहाँ पर लोग रह रहे थे या कमर्शियल एक्टिविटी करते, वो पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। पूरी तरीके से बुलडोजर ने वहाँ पर कार्रवाई की और कहीं ना कहीं एक ऐसी नजीर पेश की गई कि अवैध रूप से कब्जेदारी अगर की जाती तो कुछ इस तरीके की कार्रवाई वहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी अकबरनगर का जो पूरा इलाका है जो अवैध रूप से कब्जा करके वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उसको पूरी तरीके से खाली कराने के साथ में वहाँ पर पूरा जो अवैध कब्जा था वो सभी जमींदोज कर दिया गया। अब वहाँ पर जो मलबा है उसको हटाने का काम है नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। कश्मीर घाटी के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों